नमस्कार, आप देख रहे हैं नया न्यूज़ आपके साथ, मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे। खबर इस बीच मंडी से है, जहां पर अवैध मस्जिद के निर्माण का मामला सामने आया है। एक बार फिर से सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरेंगे, पीसीपी सचिव के स्टे ऑर्डर का विरोध करेंगे। हिंदू संगठन 3 बार आज विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, अवैध हिस्सा नहीं तोड़ने पर हिंदू संगठन नाराज है। मंडी के जेल रोड पर अवैध मस्जिद बनी है, ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं जो बीच सामने आ रही है। तो मंडी के जेल रोड पर ये अवैध मस्जिद बनी है, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अवैध इसे को ढहाने को लेकर हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अवैध हिस्सा गिराने की मांग लगातार हिंदू संगठन के द्वारा की जा रही है। मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण का पूरा मामला जो बच्चे से फूल पकड़ता नजर आ रहा है, एक बार फिर से सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरेंगे। पीसीपी सचिव के स्टे ऑर्डर का विरोध करेंगे। हिंदू संगठन 3 बार जो है विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बीच सामने आ रही है। मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण के मामला जो है सामने आया है, निर्माण का मामला सामने आया। एक बार फिर से सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरेंगे। टीसीपी सचिव के स्टे ऑर्डर का विरोध करेंगे। हिंदू संगठन 3 बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बीच सामने आ रही है। अवैध हिस्सा नहीं तोड़ने पर हिंदू संगठन नाराज है, नाराजगी है हिंदू संगठन में। बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण का ये पूरा मामला है। अवैध मंडी में जिस तरीके से मस्जिद का अवैध हिस्सा बनाया गया है, उसको लेकर विरोध नाराजगी देखने को मिल रही है। पीसीपी सचिव के स्टे ऑर्डर का विरोध यहां पर करेंगे हिंदू संगठन के लोग। हिंदू संगठन 3 बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, अवैध हिस्सा नहीं तोड़ने पर हिंदू संगठन नाराज है, हिंदू संगठन में नाराजगी है। मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण का पूरा मामला है ये। सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम न चुकाने का मामला है और हाईकोर्ट ने 7% ब्याज भी देने का आदेश दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सैनी कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में यह आदेश पारित किया है। बड़ी खबर जो बीच सामने आ रही है, 64 करोड़ का अपफ्रंट न देने के मामले में यह कार्यवाही जो है की गई है, फैसला सुनाया गया है। तो दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम न चुकाने को लेकर यह आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट में 7% ब्याज देने का भी आदेश दिया है, 7% ब्याज भी देना होगा। तो इस बीच हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। जानकारी आपसे कामेश्वर यहां यही चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला एक तरीके से कह सकते हैं हाईकोर्ट के द्वारा सामने आया है, किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है? दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के लिए कहा गया है कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जिस तरीके से जो हिमाचल हाईकोर्ट ने जो दिल्ली स्थित और जो राज्य सरकार के जो हिमाचल भवन की संपत्ति को जो अटैच करने का आदेश जारी किया है, खासकर जो न्यायाधीश है जो अजय मोहन गोयल की अदालत ने जो सेली कंपनी को जो 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ना देने के मामले में यह आदेश पारित किया गया। और इतना ही नहीं, यानी कि देखा जाए जो कोर्ट ने कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम को 7% ब्याज देने को भी कहा गया है, और यह ब्याज उन अधिकारियों से लिया जाएगा जिनकी जो लापरवाही के कारण जो कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दिया गया है। कोर्ट ने यह ऊर्जा सचिव को 15 दिन के भीतर दोषी अधिकारियों की पहचान करने की भी आदेश दिया गया, जबकि अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम कोर्ट में बताने होंगे। और खासकर जो दोषी अधिकारियों से ब्याज की राशि वसूल कर जो कंपनी को दी जाएगी। और अब इन मामले में सुनवाई जो 6 दिसंबर को दोबारा होगी। और इसके साथ ही देखा जा रहा है, जो गौरतलब है कि साल 2009 से जो राज्य सरकार लाहौल स्पीति में जो सैली कंपनी को जो 320 मेगावाट का जो बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था, सरकार ने उस पर भी जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए सीमा सड़क सुरक्षा यानी कि BRO को भी जो सड़क निर्माण का कार्य दिया था। और जो सरकार ने जो कंपनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी थी ताकि समय पर कंपनी जो प्रोजेक्ट है पूरा कर पाती, और मगर सरकार की ओर से जो कंपनी को जो सुविधा नहीं दी गई या मूलभूत सुविधा ना मिलने के कारण जो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और सरकार को वापस ले रहा पड़ा। और इस पर जो सरकार ने कंपनी की जो अपफ्रंट जो प्रीमियम जब्त कर ली है, इसके बाद जो कंपनी ने 2018 में जो हाई कोर्ट में जो रिट या
याचिका दायर की थी और कंपनी ने अदालत को बताया कि जो मूलभूत सुविधा न मिलने की वजह से जो प्रोजेक्ट सरकार को वापस लिया गया है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस यानी कि लौटाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि जो हिमाचल जो सरकार ने जो दिल्ली में लगभग 32 कमरों का जो भवन बनाया है, जहां पर प्रदेश के नेताओं के अलावा जो ब्यूरोक्रेट है, उनके रिश्तेदार है, आम जनता या एक्रेडिटेड जो पत्रकार है वो वहां पर रुक सकते थे, और हाईकोर्ट ने यह संपत्ति कंपनी को देने के आदेश दिए है। वही अगर देखा जाए अब जो विपक्ष है वो लगातार इसमें हमला भरा, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जो हिमाचल की प्रॉपर्टी, लेकिन कामेश्वर इस बीच आपसे समझना चाहेंगे, जहां राजनीति अपनी तरफ एक ही हो रही है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी किस तरीके से, क्योंकि हिमाचल भवन को लेकर बात करें, दिल्ली में अपने आप में हिमाचल भवन एक लैंडमार्क है, और किस तरीके से इसको कुर्क किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी किस तरीके से, क्योंकि ऐसा मामला पहली बार सुनने में आ रहा है कि किसी स्टेट के भवन को ही कुर्क करने के आदेश दिए गए हो, क्योंकि दिल्ली में तेलंगाना भवन से लेकर बिहार भवन, महाराष्ट्र भवन, गुजरात भवन सब कुछ मौजूद है, लेकिन मामला पहली बार सुनने में आया कि किसी भवन को ही कुर्क किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर हम देखते हैं जो मंडी हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के पास, जो वो काफी प्रसिद्ध है, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के जो चाणक्य भवन, चाणक्य में भी हिमाचल भवन है, तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जिस तरीके से जो देनदारी समय पर नहीं दे पाई, ऐसे में जो स्थिति है वो डगमगा रही है, और खासकर हिमाचल प्रदेश भी, अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का दिल्ली जाता है, वहां पर चाहे महाराष्ट्र भवन हो, कर्नाटक भवन हो, यानी कि सभी जो राज्य है उनके भवन जो दिल्ली में चाणक्य और जो हिमाचल भवन के आसपास स्थित है, ऐसे में खासकर जो मंडी हाउस जो जाना भी जाता था हिमाचल भवन के नाम पे, तो कहीं ना तो कहीं ये स्थिति प्रदेश के लिए भी हितकारी है, क्योंकि जो देनदारी अत्यधिक बड़ी है, और ऐसे में अगर देखा जाए आज भी जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि खासकर जो ये प्रॉपर्टी अटैच होना कहीं ना तो कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा कि 2 साल में ही हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में पहुंच गया, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो हाइड्रो पावर का 1/4 बिजली उत्पादन हिमाचल प्रदेश को होता है उसे बढ़ाया जा सकता है, मगर हर दिन अपनी सरकार अपनी तानाशाही कोई ना तो कोई अव्यवहारिक नियम लाते हैं और जो बिजली उत्पादन संभावना को कम करती है, उसे निवेश यहां पर नहीं हो पा रहा, और खासकर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से कहीं ना तो कहीं कभी टॉयलेट टैक्स की बात करें या जो बिजली की किराए दरें बढ़ा दी जाती है, ऐसे में कहना तो कहीं हिमाचल प्रदेश हमेशा तुर्क में रहा, तो ऐसे में चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या जो भाजपा के अन्य जो वरिष्ठ नेताओं की बात करें या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अब इसकी संभावनाएं ढूंढनी चाहिए, यदि हिमाचल भवन को अटैच किया जाता है इससे कहीं ना तो कहीं हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेशवासी है उनके लिए भी आस्थाओं के साथ खेत पहुंचे, क्योंकि जो भी हिमाचल प्रदेश का निवासी वहां पर ठहरता है उन्हें काफी खुशी होती है, खासकर जो मंडी हाउस में जो हिमाचल भवन स्थित है यदि अटैच होता है ये कहीं ना तो कहीं प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल कामेश्वर, जाहिर तौर पर कामेश्वर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए फिलहाल, और तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर उना से है जहां विवादों के घेरे में दूध उद्योग आया है, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों की धज्जियां खुले तौर पर उड़ाई जा रही है, और पंडोगा में एक मिल्क प्लांट का वीडियो वायरल हो रहा है, दूध उत्पादन के दौरान फूंकते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं, हरोली में लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये दूध उत्पाद जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर किस तरीके से थूकते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, दूध उत्पादन के दौरान थूकते हुए कर्मचारी जो है वो नजर आ रहे हैं, हरोली में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। विवादों के घेरे में दूध उत्पाद क्षेत्र जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, दूध उद्योग जो है विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, ये तस्वीर है स्क्रीन पर आपके, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, इस बारे में अभी हमें आपके माध्यम से जी इसका इन्फॉर्मेशन मिली है, हम इसमें थोरो इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कानून संबद्ध कार्य होगा वो जल्द से जल्द करेंगे। इसके बारे में मेरा ये कहना है, अगर इन्होंने लाइसेंस इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, अगर इनको लाइसेंस लिया हुआ है तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश किए हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, थोरो इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे थ्रू एफएसओ, और अगर उसमें कोई कोताही बरती जाती है तो लाइसेंस कैंसिल तक हम इसमें एक्शन ले सकते हैं। इसमें ये मैं अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाऊंगा, जो भी है इसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी इसमें वायलेशन पाई जाती है तो लाइसेंस हम इसका कैंसिल कर सकते हैं, और जो भी कानून सम्मत इसके अगेंस्ट वायलेशन का केस बनता है वो हम बनाएंगे।
चंबा में किसानों के द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। आत्मा के जो पीडी साहब उन्होंने आपको दिए, तो बेसिकली आप सभी क्योंकि प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और आप इसके फायदे इसके नुकसान आप जानते हैं, और ये हिमाचल सरकार की तरफ से एक पहल है कि जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है वो अपनी खेती में बंद किया है, और जो भी हमारे प्राकृतिक इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे वो आपका जीवामृत हो या गाय के गोबर से भैंस के गोबर से बनने वाले इम्प्लीमेंट्स हैं जिसको हम खेती में इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो केमिकल के एक्सेसिव यूसेज के साथ ख़राब ना होती जाए। जो सामान हम लोग जो खेती की उपज हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं जिसको हर कोई ग्रहण करता है, जैसा सेठी साहब ने कहा कि भाई खाना तो हर आदमी वही खाता है जो किसान उगाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना कि जो लोग हमारी फसल खाते हैं वो केमिकल्स ना खाएं, बल्कि जो ऑर्गेनिक जो नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छा पोषण मिले। तो उस पहल की शुरुआत 2018 में हमारी हिमाचल सरकार ने की थी, और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे चंबा के अंदर लगभग 15,000 किसान जो है वो इस मुहिम के साथ इस पहल के साथ जुड़े हुए प्रशिक्षण किया जा चुका है, और इसके अंतर्गत जो हमारे प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं पूरे जिले में 15,800 किसान खेती कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेंड किसान हैं इससे ज़्यादा खेती कर रहे हैं, मतलब जो अपने देसी तरीके से जो खाद बनती है वो भी मतलब ग्रुप में खाद बना के तैयार करके वो उसकी सेल भी कर रही है और अपने खेतों में डाल के नेचुरल तरीके से मतलब फसलें भी उगा रही हैं। और जो ये सरकार ने जो मक्की की पहल की है, मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो हमारी सुनी और आज हम अपनी मतलब मक्की बास पड़ोस में, जैसे मेरा त्राला गाँव पड़ता है वहाँ पे भी मैंने प्राकृतिक खेती शुरू करवा दी है, मतलब घाड़े पे जमीन लेकर, और इससे यह आया कि फसल जो है मिश्र खेती जब हम करते हैं जो भी जितने भी नोन होंगे तो उससे जो लागत होती है वो कम हो जाती है। जैसे हम एक फसल स्क्योर करते हैं और एक फसल अगर कीड़ा लग जाए कुछ भी लग जाए खत्म हो गई तो हमारी जो उपज होती है खत्म हो जाती है, और हमारा जो मतलब एफर्ट होता है दिल से काम करने का खत्म हो जाता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन जब हम स्वास्थ्य पालन। दिल्ली एनसीआर सहित देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में इन दिनों वायु प्रदूषण से होने से यहां पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में अधिकतर लोगों ने प्रदूषण से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया है। पर्यटन नगरी मनाली में भी इसी कारण सैलानियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। पंजाब से आए हुए सैलानियों ने बताया कि वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने मनाली घूमने का प्लान बनाया, और यहां पर आकर वो ताजी हवा में घूमने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सहित देश के अधिकतर मैदानी इलाकों में इन दिनों AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे में इन इलाकों के सैलानियों ने, खासकर दिल्ली एनसीआर व पंजाब हरियाणा के जो सैलानी है वो उन्होंने पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इस समय हम मनाली के जो एक जो यहाँ पे स्टैंड पे है, आप यहाँ का जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जो पहाड़ों में जो शुद्ध हवा जो बह रही है इन दिनों, चारों तरफ आप देखते हैं कि नीला आसमान है, और यहाँ का जो इन दिनों जो 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 वातावरण है शुद्ध वातावरण का एंजॉय करने के लिए ऐसे में सैलानी जो है जो शहरों से यहाँ की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे काफ़ी सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि सुबह शाम इस समय दिन का समय है, सैलानी जो अधिकतर सैलानी साइट सीन के लिए अपने जो साइट सीन के जितने जो प्लेसेस है वहाँ पे चले गए, लेकिन कुछ सैलानी यहाँ पे है जो पार्किंग है यहाँ पे, इनसे जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि आप पंजाब से आए हैं,
कितना सुकून मिल रहा है आपको, क्योंकि शांति है इधर में, नीचे जितना भी जो जो प्लेन एरिया है दिल्ली पंजाब हरियाणा सब जगह जो है पोल्यूशन बढ़ गया है, गाड़ियां ज्यादा हो गई है ना इसलिए पोल्यूशन हो गया है, इधर में तो वातावरण हो रहा है हरी वादियां हैं इसके लिए ये अच्छा है। कितना सुकून आपको मिल रहा है वो जो धुंध धुंध भरी जो वहाँ का जो वातावरण है जो पॉल्यूशन है उससे तो बहुत फर्क है, उधर में तो धुंध ज्यादा ही है तो इधर में धुंध नहीं है तो खाने पीने भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। कुछ और सैलानी यहाँ पे आइए इनसे भी जानते हैं, आप बताइए कि युवा हैं आप, जिस तरह से जो लगातार जो शहरों में बढ़ रहा है, आज दिल्ली की अगर बात करें तो 450 से ऊपर AQI लेवल दिल्ली का रहा सुबह का, और पंजाब का भी आप बता रहे थे कि काफ़ी पोल्यूशन बढ़ गया वहाँ पे भी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सुंदर वादियों में आके जो है जो कितना सुकून आपको मिल रहा है? यहाँ पर पीस ज़्यादा है, सुकून ज़्यादा है, इधर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ओपन एरिया ज़्यादा, इसलिए अच्छा अच्छा फील हो रहा है। उससे काफ़ी निजात मिल पा रही होगी, जैसे वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे तो दिक्कत होती है, उधर इधर ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, अच्छा खाना पीना भी मिलता है, रहना सहना भी अच्छा मिल रहा है, तो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं आप फैमिली में आए? हाँ फैमिली के साथ आए, बच्चे भी आए छोटे, आप बताइए बच्चे कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से एकदम स्वच्छ हवा बह रही है, मौसम एकदम साफ है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा मौसम बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है। हाँ जी, तो ये थे कुछ सैलानी जो पंजाब से स्पेशली जो वहाँ की जो हवा है जो AQI लेवल जिस तरह से जो लगातार जो मैदानी इलाकों में बढ़ रहा उससे जो है निजात पाने के लिए मनाली का इन्होंने रुख किया है, तो इनका सभी का कहना है कि यहाँ की जो ताज़ा हवा है यहाँ की जो ऑक्सीजन जो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि शुद्ध हवा जो है उसका जो है ये पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश वोत, इंडिया न्यूज़। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायत पर्यटन विकास समिति यानी कि PTDC सिस्सू ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत डिस्पोजेबल प्लेट से की गई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये अहम कदम उठाया गया। जैसे कि हम देखते हैं सिस्सू एक टर्नर खुलने के बाद एक बड़ा टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गया है, और खास तौर पे जैसे हमारा विंटर सीजन अभी आएगा तो काफी मात्रा में टूरिस्ट जो है वो सिस्सू आता है, और जाहिर सी बात है टूरिस्ट आता है तो यहाँ खाने पीने के लिए जो लोकल लोग हैं उन्होंने शॉप्स भी लगाई हुई है, उसमें थोड़ा सा जो हमें इशू प्रधान जी ने भी कई बार हमारे ध्यान में लाया जो इशू आता है वो आता है कि वेस्ट काफी जनरेट होता है और उसमें जो इको फ्रेंडली वेस्ट नहीं है वो भी काफी जनरेट होता है, प्लेट्स हो गए कप्स हो गए इन सब में बाउल्स में, तो एक पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया लोकल पंचायत के साथ में, जिसमें हमारा भी सपोर्ट रहा कि हम ग्रीन पत्तल यूज करें जो हमारा यूज होता था पहले भी ट्रेडिशनली, उसको थोड़ा सा मशीन में कंप्रेस करके उसकी अच्छी प्लेट्स बनाई गई हैं, हिम बाउल के माध्यम से हिम बाउल हमें ये सप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए वेंडर्स को ताकि जो भी हम सर्व करें वो इको फ्रेंडली प्लेट्स में रहे। इसका हमारा टारगेट है कि 25 तारीख ये जो 25 अभी नवंबर है इसके बाद हम कम्प्लीटली इको फ्रेंडली सर्विंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो भी लोकल वेंडर्स की तरफ से अगर कोई और सुझाव आएगा तो उसको भी प्रोसीड किया जाएगा। एक चीज देखना है की बात करें तो टूरिस्ट का प्रभाव ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्या कारण है अभी तक? जैसा कि आपने बताया कि टूरिस्ट का फ्लो एकदम से इंक्रीज किया है 19 में जब से टनल खुली, तो उससे पहले कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से टूरिस्ट फ्लो इतना होगा, तो कोप अप करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, खासतौर पे जो हमारी दो पंचायतें हैं कोकसर और सिस्सू मेन जो टूरिस्ट का फुटफॉल है यहीं पे बढ़ा है और प्रेशर भी सबसे ज्यादा यहीं पे है टूरिज्म का, तो अभी दोनों पंचायतों में पंचायत टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटीज बन चुकी हैं और उनके माध्यम से हमें सजेशंस आ रहे हैं। एक जो इशू रहता है क्योंकि लाहौल में 90-95% लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, तो इसमें कोई भी डेवलपमेंट करने में हमें फॉरेस्ट को साथ लेना पड़ता है। शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीते दिनों हुए विवाद पर मिशन ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव तन्मही मानंद ने बताया है कि ये मामला रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच विवाद का नहीं है, बल्कि आश्रम में घुसे हुए लोग भू माफिया थे। हिमालयन ब्रह्म समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्म समाज से कोई नाता नहीं है और हिमालय ब्रह्म समाज के असल ट्रस्टी हमारे साथ हैं।
इस दौरान मिशन ने सरकार और प्रशासन पर घटना की अनदेखी करने का आरोप लगाया। समाज और रामकृष्ण मिशन के दोनों में क्लैश, ये गलत है। हिमालयन राम समाज और रामकृष्ण मिशन का क्लैश नहीं है, ये जो हमारे इंक्रोचर्स हैं जिनको हाईकोर्ट ने 2011 में रिस्टेन किया था, वो हिमालयन राम समाज का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो लोग हैं जिसने डीसी ने भी उनको किया और उन इंक्वायरी किया और उनको कार्रवाई करने को कहा और उनके ऊपर 2011 से चार्जशीट फाइल है, वो लोग हैं। हिमालयन राम समाज जो के ट्रस्टी हैं, ये माता जी सयाल पंडित हैं जो 1966 से ट्रस्ट को देख रही हैं, साथ में ललित वर्मा जी हैं जो हिमालयन राम समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पहला क्लियर ये हुआ कि हिमालयन ब्राह्मण समाज वर्सेस रामकृष्ण मिशन नहीं है, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वर्सेस कुछ भू माफिया, ये है। और जो घटना है आपको पता है, फिर भी मैं अपने से संक्षेप में बता दूं, इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन के मंदिर में 6:30-5:30 बजे भक्त बन करके आए कि हम भक्त हैं, और उन्होंने सबने प्रणाम किया और प्रवचन सुने, आरती हमारे सब सीसीटीवी दी है, वो आरती में अटेंड किया उन्होंने और बड़े अच्छे से चलता रहा। महाराज जी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं ये, जब हमने बोला कि भाई साहब वो मंदिर बंद करने का समय हो गया 8:30 बज गए, तो बोले नहीं ये तो हमारा मंदिर है। अब वहां पे साधु सन्यासी गालियां और धक्के मुक्के शुरू हो गए, ये आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। फिर हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया गया और कुछ बीच में वो लोग प्रतिमा और कुछ लगाना चाहते तो हमने उसको बोला कि भाई ऑलरेडी स्थापित प्रतिमा है, मूर्ति है, आप बीच में क्रिया नहीं कर सकते। हर मंदिर का एक विधान होता है, उसके नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद हमें धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया और आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं, बड़े बड़े बोरों में हथियार बाउंसर्स आए, लगभग 120 की संख्या में बाउंसर और महिलाएं आई, महिलाओं ने पूरा मंदिर को कैप्चर कर लिया था और हमें बाहर निकाल। मैं रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज में मैंने अनुरोध किया सभी से कि मैं हम लोग दो सन्यासी हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हम सुबह तक हों या ना हो हमें नहीं पता, हम जीवित रहे ना रहे, पहले भी अटैक हो चुके हैं भू कब्जा करने के लिए, जो भक्त जहां है हमारी रक्षा करो। हमने पुलिस को भी खबर दी, पुलिस आने में 1 घंटे लगे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, रोहित जी को फोन किया और अनिरुद्ध जी को कॉल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया, और जब इन लोगों ने मेरा फोन काट दिया तो मैं जयराम जी को फोन करना पड़ा मुझे, इसको पार्टी बिना लिया जाए, मैं जयराम जी को फोन किया, जयराम जी ऐसी स्थिति है मैं मर जाऊं या क्या करूं बताओ। तो जयराम जी ने बोला आप कुछ मत करो स्वामी जी, मैं देखता हूं। तो उन्होंने सारे और हमारे भक्त तब